नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक अनबॉक्सिंग का वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं रिव्यू और डेमो भी दिखाऊंगी। तो ये मैंने लिया हुआ था अमेजन से और ये एक फ्राई पैन है जो कि स्टेनलेस स्टील का है और प्रेस्टीज का है। ये तो साथ में ये दिया है, ये जो है ये बिल है और इस बिल के हिसाब से मुझे ये डिस्काउंट के बाद पड़ा है 970 का, जबकि इसकी एक्चुअल कॉस्ट था 1250 का। तो मुझे ये डिस्काउंट में 970 में पड़ा है और देखते हैं ये कैसा है और किस तरह का इसका लुक है और कैसे इसका एक डेमो भी करके देखते हैं कैसे इसमें बनता है कि नहीं सही तरीके से खाना। तो इसको खोल के देखते हैं। ऐसे कोई भी काम हो तो तिस्या को बहुत मज़ा आता है, वही उसमें लग जाती है खोलने में, तो आज भी वही लगी है वो। ये 260 mm का है और काफ़ी बड़ा है। खोल के देखते हैं कैसा दिखने में उसका अंदर, बाहर से तो बहुत अच्छा लुक आ रहा है, अंदर कैसा है देखते हैं। और ये मुझे स्टील का है इसीलिए बहुत अच्छा लगा तो मंगाया, क्योंकि स्टील की कढ़ाई जो है मेरे वो पतले होने की वजह से जल जाती है खाना बनाते हुए। इसमें कैसा होता है वो देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी हैवी दिया बताया गया है। तो देखते हैं खोल के। काफ़ी हैवी है और इसका लुक भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और स्पेस भी इसकी बहुत ज़्यादा है। और ये उसकी साथ में आया है, ये वारंटी कार्ड है, मैनुअल है। और ये वारंटी में क्या है, इसमें 10 साल का मतलब लाइफ टाइम का वारंटी दिया है, मान के चलो 10 साल का है पूरा। तो इतना हैवी है तो ख़राब नहीं भी होगा। और इसका ये जो अंदर है स्पेस बहुत अच्छा है, और इसको क्लीन करने का बताया है कि स्टील उल वगैरह इसमें यूज नहीं करना, हमेशा प्लास्टिक की में से ही यूज करना, प्लास्टिक का ब्रश होता है जो उसमें साफ करना। और पीछे जो बटन है उसका बहुत ही हैवी एक प्लेट लगाया गया है जो हीट को इवनली स्प्रेड करेगा, मतलब बहुत अच्छे से हीट चारों तरफ फैलेगा और अंदर अच्छे से गर्म भी रहेगा। और मेरे ख्याल से काफ़ी देर तक इसमें खाना भी गर्म रहेगा, बनाने के बाद ढक के रख दो तो काफ़ी देर तक गर्म रहेगा इसकी हैवी बटन की वजह से। और शायद इसके अंदर जो हम बनाएंगे वो जलेगा भी नहीं, क्योंकि काफ़ी हैवी है। और स्टील का इसका हैंडल भी बहुत अच्छा दिया है, उसमें प्लास्टिक का भी लगाया गया है। और इसमें ये बताया गया उसकी मैनुअल में कि आप हमेशा जो भी इसमें यूज करो वो लकड़ी का वाला ही यूज करो, जैसे अपन स्टील का जो कलछी वगैरह होती है या चाकू वगैरह कुछ भी इसमें यूज नहीं करो, ताकि स्क्रेच आ जाएगा वो यूज करने में, तो शाइनिंग भी चला जाएगा उसकी वजह से। तो चलिए इसको देखते हैं, चेक करते हैं कैसे बनता है इसमें। तो ये मैंने इसको गैस के ऊपर ले आई, उससे पहले इसकी जो ये लगी है इसको निकाल देते हैं पहले, और निकालने के बाद इसको धो लेंगे, क्योंकि कभी भी पहला यूज करने से पहले इसको धो के साफ कर लेना चाहिए अच्छी तरह से। तो ये थोड़ा सा जो चिपका है इसको भी निकाल लेते हैं और अच्छी तरह से धो के साफ करके ले आते हैं, फिर उसमें गैस में इसको गर्म करेंगे। ये इंडक्शन फ्रेंडली भी है, इंडक्शन में भी इसको मैं बनाया जा सकता है। तो ये मैं धो के ले आई हूँ, इसको गर्म होने के बाद ही इसमें तेल वगैरह डाल के चेक करेंगे। और इसकी जो देखिए ये पूरे अच्छी तरह से हीट को स्प्रेड करेगा गैस के ऊपर बिठाएंगे इसको जब। और ये भी काफ़ी मजबूती से इसकी नट वगैरह जो लगा है वो काफ़ी मजबूत है, नहीं तो बाकी तो ऐसे हल्का होता है तो निकल जाता है बीच में। तो तेल डालते हैं और इसमें हम फ्राई करके देखते हैं प्याज वगैरह कि ये जलता है कि नहीं। मैंने आँच तेज रखा है, कम नहीं किया है इसमें, क्योंकि मेरा जो पहले का स्टील की कढ़ाई है उसमें थोड़ी सी भी आँच तेज करो तो तुरंत जलने लगता है ऊपर का सामान मसाला वगैरह। इसमें कैसा होता है वो देखते हैं, चिपकता है कि नहीं वो देखते हैं, क्योंकि नॉनस्टिक और बाकी जो हिंडाल्को वगैरह की लगा यूज करते हैं उन सभी से स्टील ही ज़्यादा बेहतर है, तो इसीलिए मैंने इसको मंगाया था। और अभी तेज़ आंच पे रखी हूँ मैं, देखिए प्याज भून रहा है लेकिन एक भी बार कहीं लग नहीं रहा है। तो नमक वगैरह टमाटर वगैरह डाल के भी देख लेते हैं लगता है कि नहीं इसमें। देखो प्याज सब अच्छी तरह से भून चुके हैं और तेज़ गैस है, फिर भी कहीं नहीं लगा है, नीचे से कहीं भी नहीं लगा है। इसका मतलब अच्छा क्वालिटी का पता चल रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इससे। और इसमें काफ़ी सारा ये हैवी है और चौड़ाई में भी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी सारा इसके साथ बनाया जा सकता है, जैसे तवा पुलाव वगैरह भी इसमें अच्छे से बनाया जा सकता है।
और टमाटर गलने के बाद भी कहीं नहीं लगा, नीचे से आप देख सकते हैं इसको, मैं पास से दिखा रही हूँ, कहीं भी नहीं लगा है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू।